इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, स्पेक्ट्रम किया था माइक्रोवेव या एक्स रेज या रेडियो वेव्स, इन सब की क्या फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमने एक टॉपिक किया और टोटल थियोरेटिकल था। अब हम एक काम करते हैं, कुछ मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो ईएम वेव्स के अंदर पहला टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ की कंसिस्टेंसी क्या थी? एम्पियर सर्किट लॉ की कंसिस्टेंसी में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्किट है जिसमें करंट जा रहा है और बीच में प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर कंडक्शन करंट है आई, तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी। ये हमने डिस्कशन की थी आई और आईडी। और मैंने आपको ये बताया था कि आई की और आईडी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है? सेम, राइट? ये बात हुई थी, आई और आईडी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। मैंने आपको ये बात थ्योरेटिकल बताई थी कि ये सेम होती है, मैंने मैथमेटिकल नहीं बताई थी। ये टॉपिक वही बात मैथमेटिकल बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर आईडी की बात करते हो तो म्यू नॉट एम्पियर सर्किट लॉ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आईडी। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, वेयर फाई इज कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ से ई और ए एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में ई और ए के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस थ्योरम भी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को लगता है सीधा लिख देते तो भी चलता। तो मुझे पता है जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्या बचा? डी क्यू बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और डी क्यू बाई डी टी होता है कंडक्शन करंट, यानी कि आई। तो आंसर क्या आ गया? म्यू नॉट इनटू आई। तो यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पुट करेंगे क्यू बाई या ई की वैल्यू को पुट करेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास वही करंट आ जाएगा जो आपका कंडक्शन करंट है। तो बात मैथमेटिकल है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? सेम। ये टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट? मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ।